लैला मजनू हो खड़ो भाई साहब, खड़े हो जाओ। क्या भैया? खड़े हो जाओ। अरे क्या बात है, बात क्या है? खड़े हो जाओ, जाओ आप पार्क से जाओ। मतलब आपको बैठना है पार्क में, उधर बेंच लगे हुए हैं, अगर यहाँ बैठना तो यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं भाई साहब, आप जाओ। अरे क्या बात, मेरे साथ में चलो। अरे बात क्या है मुझे, साथ में चलो मेरे। अरे बात क्या है मुझे, मेरे साथ में चलो। और भी तो लोग बैठे हैं यार, मेरे पास सुनो, आपके लिए नहीं है। मैं मतलब हमारे लिए क्यों नहीं है? अरे पैर पकड़ लूं। अरे क्या बात, नौकरी खाओगे मेरी? अरे बात क्या हुई है, आपके पैर पकड़ लूं, नौकरी खाओगे मेरी? मेरी नौकरी क्यों खा रहे हो फिर? मैं अपने बच्चे ना पालूं? मेरी बात सुनो, अपने बच्चे ना पालूं? क्या बात क्या है मुझे बताना, मैं बच्चे ना पालूं भाई साहब? आप मेरी बात सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चले जाओ। मुझे बात तो बता, पार्क से चले जाओ। किस लिए भाई? भाई साहब मेरी चले जाएगी कसम से, आज आप और किसी और ने देख, मतलब आज किसी और देखे। आज किसी और गार्ड ने देख लेना, कसम से मेरी नौकरी चली जाएगी भाई। ये बात क्या है, मैं बता रहा हूँ, दे ले जाओ इनको पार्क से। आपको बैठना है, आपके लिए कोई मनाही नहीं है, आपको बैठना है, दिन रात पार्क में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये नहीं बैठ सकते भाई साहब, नहीं बैठ सकते, बस इनसे क्या दिक्कत? कौन आप इनके? वाइफ हूँ मैं इनकी। आपकी क्या है? मेरी वाइफ है भैया। ये आपकी पत्नी है? तुम्हारी पति है इसके? ये तुम्हारी पति है? ये मेरी वाइफ है। भाई साहब नहीं बैठ सकते, आप जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता। मैं आपके सामने बात नहीं करूंगा, घर में कलेश पड़े, अच्छा नहीं है, आप ले जाओ इनको। किस चीज़ का? चले जाओ, चले जाओ, बस चले जाओ। अरे बाबू कुछ नहीं यार, पता नहीं कौन भाई, चले जाओ तुम। अरे भाई, भाई मेरी बात सुन, किसी को पता लग जाएगा, इधर चुपके से दीवार को देख। क्या पता लग जाएगा? मैं क्या पता लग जाएगा? किसी को पता लग जाएगा कि ये पार्क में आया हुआ है, मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए करो दीवार को चले जाओ। इनसे आपकी नौकरी क्या मतलब है? हम तो दूर दूर तक आपको जानते भी नहीं है, नहीं है जानते आपको तो भाई, मतलब भाई मेरी बात यार, मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं रहा है ना। अरे तो बात भी होगी, क्या बात है? कौन से गेट से लेके आई आपको? कौन से गेट से लेके आई? पीछे से क्यों बड़ा है? पीछे से क्यों बड़ा है? मैं क्या मालूम कौन सा गेट है, तुम्हें मालूम नहीं है मेन गेट किधर, लेकिन तुम्हें पता है झाड़ियां किधर से है, झाड़ियों की तरफ दीवार कहां से टूटी हुई है, दो चार ईंटें। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, उधर से क्यों बड़ा भाई साहब, मेन गेट से क्या गुनाह कर दिया वहां से आगे? तो गुनाह है भाई साहब, तू पदरी पार्क में एंट्री नहीं है, बाहर जाके देख लो, पार्क में पोस्टर लग रहे, इसकी एंट्री नहीं है, लड़कियों के साथ बैठा रहता है अलग अलग, किसी लड़के को झाड़ी में लेके बैठ जाएगा। मेरी बात सुनो, कैमरे वाले दूसरे देख लेंगे, सुनो सुनो पूरी सुनो, अभी सुन रहे हो ना, सुन रहे हो अभी पूरा सुनो, कैमरे वाले बाहर से देखते रहेंगे गेट पे बैठे बैठे कि भाई साहब ये लड़का कैमरे में, मेरे को बोलेंगे मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूं इस पार्क का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई साहब पार्क चले जाओ, मेरी नौकरी खा जाओगे। मेरे को पार्क में देखो, तो भाई हजार तुम मेरी बात, तुम्हें इसको बोल दो कि मेन गेट से एंट्री करके दिखा दे इसको, तभी ना निकाल दे तो एक उठा लो तुम, समझ में क्या? अरे पागल है यार, मजाक कर रहे हो ऐसे, अभी किसी को अपन छोड़ेंगे तुमने? अरे तू बेवकूफ है क्या, बेवकूफ क्या? मैं कह रहा हूँ पार से समझा रहा हूँ यार, मैं मेरी नौकरी खाएगा, मेरी नौकरी मतलब मेरी, मैं अपने बालक कैसे पालूंगा, मैं अपने बालक कैसे पालूंगा, पूरे पार्क में तुम्हें मिले क्या? मैं अपने बालक कैसे पालूंगा, मेरे को ये बता दो यार, बेकार के मजाक क्यों करेगा, मैं अपने बालक कैसे पालूंगा, किसके सारे रुपए तो एक कमा रहे हो यहाँ से, किसने भेजा मुझे बता, 13,000 रुपए में लगा हूँ, बालक कैसे पालूंगा, स्कूल की फीस बता कितनी हो रही है, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस बता, 800 रुपए ट्यूशन वाला लेता है, कैसे दूंगा अपने बच्चों के? 800 रुपए मैं दूंगा क्या मुझे बता, तूने तो भाई 13,000 भी तो नहीं देने दे रहा मेरे को मैं निकाल देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँ आप दीवार कूद के चले जाओ, आप घर जाके लड़ लड़ रहे हैं भाई साहब, चले जाओ, ये दीवार है पीछे यार, पार्क में पोस्टर लगे तुम्हारे, अरे पागल है क्या, कैसे इंसान हो तुम, है किशोरपन छोड़ोगे नहीं अपना, तुम लड़कियों के साथ झाड़ी में बैठे रहते, बताओ बेशरम इंसान, क्या बोल रहा है, मैं 6 बार पकड़ लिया, वो क्या बोल रहा है, मेरी बात सुनो, हमने मेरी बात सुनो, आंटी जी मेरी बात सुनो, 6 बार पकड़ लिया इसको हमने, 6-7 बार कोई भी गार्ड इसको इसको पकड़ेगा, क्यों पकड़ेगा, मेरे को पकड़ लिया, ये है ये शुरू में पैर से समझाया आपको, पैर पकड़े आपके, आपके पैर पकड़े ना, घर में कलेश ना, इस वजह से पैर पकड़े, हाँ गलत तो आई भाई साहब, मुझे तो नहीं पता गेट कौन सा, पीछे से क्यों आए, पीछे से क्यों आया, मेरे बात 800 रुपए फीस है बच्चों की फीस की, 800 ट्यूशन वाले लेके जाते हैं, 800 रुपए वाले ट्यूशन की फीस में आ गया, दूंगा मुझे बता, लेकिन इसको क्लियर तो कर दे, रिश्वत भी दे रहे, रिश्वत भी दे रहे, अरे तेरे घर वाले भी तुझे चोरा बोलते हैं, मेरी बात सुनो, हां सुनो, कर दिया तो बेकार, वो पैसे ले ले मेरे से, ओयो को पैसे ले ले, कितने लगेंगे, 500 रुपए लगते हैं ओयो में यार, ओयो में चला जाया करे यार, ये हमारी भी सिक्योरिटी खाएगा, जितने तुमको देखेंगे, जो निकालने आता है एक तो सिक्योरिटी गार्ड पीट दिया, एक बार तो सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया, बोला मेरी सेटिंग के साथ बैठो, तेरे को क्या चक्कर है, सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया था, थप्पड़ मार मैं तेरे, अब देख लो आ रहे ना अपने अंदर, थप्पड़ मार रहा मेरे को, देख लो, देखो मेरे को थप्पड़ बताना कितनी बार आता है भाई, मैं किसी भी सिक्योरिटी वाले से पूछो, मेन गेट से एंट्री करवा दो इसके, मैं मान जाऊंगा अगर इसको एंट्री करने दे दो, मेन गेट से एंट्री करवा दो, ये झाड़ियों से क्यों लेके आपको, ये झाड़ियों वाले गेट से क्यों, जहाँ पे 2 ईंटें टूटी हो उससे खुदा की क्यों लेके आए, मेरे को ये बता दो, वहां से क्यों लेके आए आपको,
भाई मेरे मेरे बच्चे कैसे बोल रहे हो? 800 रुपए फीस हो रही है। चुप क्यों भाई? 800 रुपए फीस हो रही है बच्चों की यार। अरे बच्चे बैठे हैं और तुम ये लड़के ले लेके यहाँ पे आ रहे हो। अरे गंदी गंदी हरकत कर रहे हो। बेशरम इंसान, शर्म करना तो अपने घर परिवार को। मेरी माँ सुन तो ले। नहीं सुनना मेरे को तुम्हारा किसी तुझे, तुझे तीसरे बंदे पे विश्वास है, मेरे पे विश्वास नहीं। वो विश्वास लाइक तुम्हारे घर वाले ने बोला कि तुम्हारे में चिचोरा पहने गंदी गंदी औरतों के पास जाते हो। तुम पागल हो गया क्या? हट गया ऐसे, अबे पागल हो गया? अरे हट गया ऐसे बाबू, हाथ तो ले हाथ। सुन, अबे सुन, भाई मेरे से नहीं बात करनी। नौकरी खा गया मैं, 800 रुपए कैसे दूंगा अपने बच्चों के बीच के? मेरी नौकरी खा गई। बोल रहा झूठ बोल रहा, वो झूठ क्यों बोलेगा? अपने पति पे विश्वास नहीं कर रहा है। पार्क में और लोग भी तो घूम रहे हैं। तेरे चक्कर में कलेश हो जाएगा मेरा। पार्क के बाहर मोदी जी का फोटो फोटो लगा हुआ बड़ा, उसके सारे में इसके फोटो है, देख लेना। ये पार्क को एंट्री नहीं, मेरा कौन सा फोटो लग गया? देख लो मेरे फोटो में हर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गेट है, 2 किलोमीटर दूर गेट है। 800 रुपए फीस हो रही है बच्चों की, कैसे दूंगा मैं? बिल्कुल मतलब नहीं आ रही। अरे सुन भाई, अरे देखो पैसे चाहिए, पैसे दूंगा लेकिन मेरे कमाने मेरे बीवी को तू पालेगा? मेरे क्लियर तो कह रहे 800 रुपए से हाथ जुड़वा। मेरे को बता क्या बात है, सच सच मेरा कलेश हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। कितने पैसे दूंगा? कितने चाहिए तेरे को? 10,000 रुपए दूंगा। मेरे को रिश्वत के 10,000 रुपए दे रहा हूँ। छोड़ दे मेरे को जाने दे भाई, मैं तो मरूंगा सारा। तो मेरी नौकरी खा गया, मैं तो मरूंगा। कोई नौकरी है? मैं तो फांसी चढ़ दूंगा तेरे चक्कर में, मैं मरूंगा। तलाक हो जाएगा भाई, मैं तो मरूंगा। सुन तो ले, मेरी नौकरी खा गया, मैं तो मरूंगा। मेरी नौकरी सुन ले, सुन ले, सुन ले भाई मेरे, भाई मेरे, मेरी बात सुन। तेरे को जो चाहिए 10,000 से ऊपर दे दूंगा, 5,000 और लियो मेरा तलाक हो जाएगा भाई। चश्मा चाहिए ले दे, चश्मा भी ले दे, चश्मा भी ले ले। आज मेरा क्लियर करा दे भाई, मेरा पंगा हो जाएगा, मेरे 2 बच्चे छोटे कलेश हो जाएगा। इसे पता ये बेवकूफ की बच्ची मान नहीं रही। चुप चुप सुन भाई, सही से बता। नहीं तुम सही से बता दे, अबे हाथ जुड़वा। ओ भाई सही बता दे। सुनो एक्चुअली सुनो मेरी बात, इंचार्ज नहीं हूँ पार्क का, सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं हूँ, मैं मजाक कर रहा था। सुनो तो एक बार, एक्चुअली क्या हुआ, आप दोनों है ना पीछे वाले गेट से आए थे ना, वो मैंने देख लिया था आपको आते हुए दोनों को। तो हमारी टीम ने सोचा कि दोनों अच्छे लग रहे हैं, पति पत्नी लग रहे हैं, प्रैंक करते हैं। पति पत्नी है? अरे हमें लगा ना, हमें छोड़ के तेरा वो हो जाता है मेरा तलाक। तुमने 10,000 रुपए दे उस चीज के तो दे रखे मेरे को। दीदी उधर कैमरा लग रहा है, वो हम प्रैंक शूट कर रहे थे हम, मतलब मैं इंचार्ज नहीं हूँ और ये बंदा मैंने किसी के साथ नहीं देखा, ना कोई इसका पोस्टर लगा है। बस मेरे को ये पता कि पीछे के गेट से आया, तो उस बात पे मैं बोल पड़ा भाई साहब। हाँ भाई आ गया ना स्वाद। बोला था ना वीडियो आएगी और झकास आएगी। अब वीडियो का खजाना तैयार रखा है, ऐसा तैयार रहो। वीडियो पसंद आई ना फटाफट कमेंट कर दो और शेयर मार दिया करो यार। देखो पहले हम लोग फैमिली में थे, हम सब जो जितने भी आप लोग देख रहे हो, तो आप शेयर मारते थे जी भर भर के। अभी यार मैं थोड़ा सा गायब हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों शेयर कर दो, क्योंकि आपके शेयर से मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है बनाने के लिए कंटेंट, कि हाँ आपको पसंद आई आप शेयर कर रहे हो।
ये हंसते खेलते कंटेंट सिर्फ आप लोगों के लिए है, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरी, मैं बच्चों की फीस कैसे दूंगा भाई, 800 रुपये फीस हो रही है ट्यूशन की, समझो उस चीज़ को। तो फटाफट शेयर कर दो दोस्तों, और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा नीचे लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मस्ती के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, राम राम।